सटा पयाइल बानी सट बुना जरी कमर हिलाइब जबले जरी मर करी सटा पयाइल बानी सट बुना जरी कमर हिलाइब जबले जरी। लगातार बदल रही है, गाने ट्रेंड कर रहे हैं, आप लोग युवा कलाकार किस तरह से सोचते हैं कि बिल्कुल भोजपुरी में बदलाव होनी चाहिए, अच्छे गाने आने चाहिए? एकदम निश्चित बदलाव आनी चाहिए सर। और मैं भोजपुरी मतलब अश्लीलता जो है मैं भी चाहती हूँ। सुनीता प्रिया इस चीज़ों को कैसे देखती है, क्या भोजपुरी में बदलाव होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। और साहब मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कलाकार हैं सभी लोग साफ सुथरे गाना गाएं, उससे क्या होगा कि मतलब अच्छा लोग। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है आरा में, दोबारा इतना धमाल मचाया है कि पूरी इंडस्ट्रीज के बाहर भी लोगों ने खूब सराहा। पुनीता प्रिया जी हैं, चलिए स्वागत करते, पूछते हैं कि क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है और साथ ही भोजपुरी में जो चल रहा है, मैम कितने अनजान हैं? मैम बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? सबसे पहले तो मनचाह न्यूज से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। जी जी बहुत स्वागत है आपका। आरा में दोबारा गाना ने इतना धमाका किया, पुनीता प्रिया हर तरह छा गई, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिन नाम रहा। मैं चाहूँगा कि आप पहले गाना गुनगुनाएं फिर आगे बढ़ते हैं। सटा पयाइल बानी सट बुना जरी कमर हिलाइब जबले जरी मर करी सटा पयाइल बानी सट बुना जरी कमर हिलाइब जबले जरी मर करी कि खट मीठी जवानी के चिखैबुना चिखैबुना बबुआ के खुश कके जैबुना अरे आरा में दोबारा फेरु अइबुना। इस गाने को मतलब म्यूजिक दिए हैं बड़े भैया प्रियांशु सिंह जी, पटना के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, और लिखे हैं बड़े भैया विक्की विशाल जी, और बहुत अच्छा जी। हमने देखा इस सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया गया, वायरल भी रही और लगातार सोशल मीडिया पे इस गाने का चर्चा भी हुआ। कितना अच्छा लगा कि हाँ इस तरह के गाने जिस तरह से पवन सिंह जी के साथ आपने गाया और बहुत सारा प्यार मिला। बहुत अच्छा लगा सर, और दर्शकों ने काफ़ी प्यार आशीर्वाद दिए। जिस तरह से भोजपुरी लगातार बदल रही है, गाने ट्रेंड कर रहे हैं, आप लोग युवा कलाकार किस तरह से सोचते हैं कि बिल्कुल भोजपुरी में बदलाव होनी चाहिए, अच्छे गाने आने चाहिए? एकदम निश्चित बदलाव आनी चाहिए सर। और मैं भोजपुरी मतलब अश्लीलता जो है मैं भी चाहती हूँ कि अश्लील गाना ना हो, और इसके लिए मैं भी अपना ऑफिशियल ओपनिंग की हूँ, पुनीता प्रिया ऑफिशियल, उस पर आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा साफ सुथरा गाना है। जी जी, हाल ही में देखिए तो भोजपुरी जिस तरह से बदल रही है, कलाकारों का जो योगदान है काफ़ी अहम रहा है, और आपके जो गाने हैं काफ़ी कम आते हैं, कुछ ही ऐसे सॉन्ग रहते हैं जो आते हैं बड़े सुपरस्टारों के साथ, अब नज़र अभी कम आ रही है, तो ऐसा क्यों, क्या नहीं सही? ऐसा बात नहीं है सर, रितेश पांडे सर के साथ में भी बहुत सारा गाना रिकॉर्ड है, फिर से थी लकी राजा के साथ में भी है, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ में भी है। जी जी, फाइनली अब चलिए उस सवाल की ओर चलते हैं जहां अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है। तीन चार दिनों से हम देख रहे हैं भोजपुरी के जो बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, या नीतीश कुमार जी को टैग करके एक उन्होंने उनसे मदद मांगी है कि भोजपुरी में बदलाव हो, अश्लील चीज़ों पे बैन लगे। पुनीता प्रिया इस चीज़ों को कैसे देखती है, क्या भोजपुरी में बदलाव होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। और साहब मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कलाकार हैं सभी लोग साफ सुथरे गाना गाएं, उससे क्या होगा कि मतलब अच्छा लोग कहेंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। क्या आप इसके समर्थन में हैं कि जो बड़े सुपरस्टारों ने कहा है? एकदम सपोर्ट में है जी। पवन सिंह जी की बात कर ले तो उनके साथ आपका गाना भी आया था, इसके बाद से आप काफ़ी चर्चा में रही, और पवन सिंह ने ही फेसबुक के माध्यम से नीतीश जी को ट्वीट किया, पोस्ट किया और उनसे मदद मांगी कि भोजपुरी में बिल्कुल बदलाव हो, जात पात के नाम पे भोजपुरी में गाने कोई अहीर के ऊपर गाता है तो कोई राजपूत के ऊपर गाता है, तो इन सब चीज़ों पर अंकुश लगे और भोजपुरी में साफ सुथरे गाने हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए? एकदम बदलाव होनी चाहिए सर। अभी फ़िलहाल में अगर बात कर ले तो खेसारी जी के ऊपर जिस तरह से जो एक विवाद चल रही है, उसमें आप कलाकार के तौर पे कैसे देखते हैं कि हाँ कोई भी कलाकार गलत नहीं होता, जिस तरह से डिमांड होती है पब्लिक की वैसे गाने गाते हैं, तो क्या खेसारी जी सही हैं, वो अपने हक और अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें एक कलाकार के तौर पर आप कैसे देखते हो? अभी तो मैं तो नहीं देखी हूँ सर कि क्या चल रहा है, लेकिन ये सब नहीं होनी चाहिए, जो भी हो रहा है नहीं होनी चाहिए, और हम सभी लोग जितने भी हम लोग छोटे कलाकार हैं सर, जितने भी मेरे बड़े हमसे सीनियर हैं,
खेसारी जी हो गए, पवन भैया हो गए, सभी लोग हैं, उन लोगों से देख करके मतलब हम लोग सीखते हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। जी जी, अगर पिछले 2 साल के हम ग्राफ को देख ले भोजपुरी की, भोजपुरी गानों ने ट्रेंड किया, भोजपुरी की फिल्में लंदन में शूट हुई, भोजपुरी के गाने हमारे इंडिया से बाहर जाकर शूट होने लगी है, एक कलाकार के तौर पे आप क्या देख रहे हो कि भोजपुरी की जो ट्रेंड लिस्ट है वो किस तरह से बदले, गाने किस तरह से चेंज हो, ताकि जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है वो भोजपुरी को काफ़ी तवज्जो दे? चेंज तो होनी चाहिए सर, ये सब जितना बदलाव हो रहा है, ये सब जितना मतलब अश्लील गाना चल रहा है, ये सब चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर ले तो कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं? प्रोजेक्ट तो तूफानी लाल सर के साथ में भी है, थी राकेश सर के साथ में भी है, और भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में है, और आने वाला है सर, देखिए और आएगा तो आप जानेंगे। फिल्मों, भोजपुरी फिल्मों के गाने के भी ऑफर मिली आपको? बहुत बहुत सारा फिल्में गाए हैं सर, गाए हैं, अभी रिलीज नहीं हुआ है। जी, एक सवाल आखिरी जाते जाते, जिस तरह से हर कलाकार का सपना होता है कि वो भोजपुरी से उठे, बॉलीवुड में जाए, वहाँ के गाने गाए, साउथ में जाए, वहाँ के गाने गाए, तो क्या आपका भी सपना है कुछ इस प्रकार का? एकदम सर, ऑफर आएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हर इंसान का मतलब हर व्यक्ति का सपना होता है, मैं भी जाऊंगी ऑफर आएगा तो। मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई एक सॉन्ग गुनगुनाएं जो अक्सर ही आप गुनगुनाती हैं, या फिर आपका एक ज़्यादा पसंद आया है। मेरे ऑफिशियल पे बहुत ही अच्छा मतलब सॉन्ग है, मैं वही गाना चाहूँगी। कि अगुआ नतिया झूठ बोल के दागा बाटे कोइले, बीए पास बता के अंगूठा छाप से शादी करैले, जच पड़ताल न पापा कोइले, जच पड़ताल न पापा कोइले, जीवा जान जरी रे जरी, माई ते ही बतलाओ कि हम जहर खा के मरी, कि बोलमुआ के पढ़ाई कि हम दोसर शादी करी। और आप सबसे विनती है, जितने भी मेरे फैंस, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप एक बार पुनीता प्रिया ऑफिशियल पे जाकर देखिए, बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग है, साफ सुथरा सॉन्ग है, आप लोग बढ़िया गाना का आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस मैं यही कहूँगी। जी, बहुत धन्यवाद पुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस गाने को जरूर जाएं क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा है। इनका ऑफिशियल पे क्या नाम बताया आपने चैनल का? पुनीता प्रिया ऑफिशियल। पुनीता प्रिया ऑफिशियल पे इस सॉन्ग को रिलीज किया गया, तो बहुत सारा प्यार दें, मैम को सपोर्ट करें, भोजपुरी बदल रही है, अपना भी योगदान दें, और साथ ही ट्रेंड कर रही है भोजपुरी, और हर जगह अपने कलाकारों का आप भी सपोर्ट ज़रूर करें। नमस्कार।